प्रयागराज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, तो चलिए इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं, यानी कि रिव्यू करते हैं और बताते हैं आपको किस तरह का है ये ट्रेलर। और साथ ही साथ आपको हम वीडियो के अंत में एक रिक्वेस्ट करने वाले हैं, इसलिए आप हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये ट्रेलर रिव्यू और आपको बताते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा ये ट्रेलर रिव्यू तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं, ये कहीं और नहीं वेब म्यूज़िक पर रिलीज़ हुआ है, तो जाके वेब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। चंदन उपाध्याय इसके डायरेक्टर हैं और इन्होंने इसकी स्टोरी भी लिखी है, यानी एक पंथ दो काज। और बताते हैं फिल्म में आपको कई बेहतरीन कलाकारों के दर्शन होंगे और उनके अभिनय का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो उसमें है सबसे पहले अरविंद अकेला कल्लू, यामिनी सिंह, अवधेश मिश्रा, देव पांडे और अमित शुक्ला जैसे कई मंझे हुए कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको हम ये बताते हैं कि अगर आप ये पूरा ट्रेलर देख लेंगे तो भी आपको स्टोरी तो कुछ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये लव स्टोरी तो है नहीं जो आपको ईजिली समझ में आ जाए, और ना ही कोई दो घरानों के बीच के दुश्मनी है जो आपको और ईजिली समझ में आ जाए, और ना ही किसी गैंगस्टर की कहानी है। ये तो कहानी है दो मठों की। जी हाँ, अमूमन आपको भोजपुरी में अभी तक शायद ही ऐसी कोई मूवी मिली होगी जो ऐसी बनी है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छा है। और आपको ये बता दे, दो मठों के बीच अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता ही हुई ये फिल्म दिखाई देगी। साथ ही आपको ये बता दे कि फिल्म में भोजपुरी के कई उम्दा कलाकार हैं, जैसे अवधेश मिश्रा, देव पांडे। हालांकि देव पांडे के लिए हम ये ज़रूर कहेंगे, अफसोस की बात है कि भोजपुरी के जो दर्शक हैं इनकी जो अच्छी वाली एक्टिंग है, जो बेहतरीन वाली एक्टिंग है, उसको समझ ही नहीं पा रहे। भाई क्या हो गया है आपको? यहाँ ये ज़रूर कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरोज से बहुत बेहतर एक्टिंग करते हैं हमारे भोजपुरिया खलनायक, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, अमित शुक्ला भी हैं। आपको बता दें अमित शुक्ला की भी एक्टिंग बहुत ही ज़ोरदार है इस फिल्म में, क्योंकि ट्रेलर आप देखेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और हम अगर हमेशा की तरह कहते हैं अवधेश मिश्रा के एक्टिंग के बारे में, अगर हम हमेशा कुछ कहें तो वो सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, क्योंकि बहुत ही दमदार एक्टिंग करते हैं वो। जिस फिल्म में होते हैं वो जब पर्दे पर होते हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरविंद अकेला कल्लू की, तो काफ़ी सुधरी हुई एक्टिंग है, अच्छे लग रहे हैं अरविंद, और बहुत दिनों बाद किसी फिल्म में वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। साथ ही साथ एक्टिंग में भी बहुत निखार आया है, आप उनकी पहले की फिल्में उठा लें और अब ये जो ट्रेलर है तो उसमें भी उसे देख कर ये लगता है कि थोड़े सिंसियर हो गए हैं। यामिनी सिंह सोपीस हैं तो अच्छी वो भी लग रही हैं। वैसे बात गानों की जाए तो दो गाने दिखाए गए हैं, बात करेंगे दो गानों की तो एक काफ़ी सूदिंग नंबर है, जब उसके बोल कानों में पड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा थोड़ा सा नॉटी है और वल्गैरिटी को दिखाता हुआ है। वैसे ये गाना अगर इसमें नहीं होता तो ज़्यादा ही अच्छा लगता। वैसे ट्रेलर में एक और गाना है, लेकिन उस गाने की थोड़ा कम बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो चीलम धुआं समझ में नहीं आता। ओवरऑल हम यहाँ ये कहेंगे कि चंदन उपाध्याय ने भोजपुरी में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आकर राजस्थान की तपती धूप में बारिश की बूंदों वाला काम किया है जी, क्योंकि अगर अभी आप भोजपुरी में फिल्में देखने जाएं तो सिर्फ वही लव ट्रायंगल और घुमा फिराकर फैमिली ड्रामा, और उससे भी ऊपर उठेंगे तो पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाएंगे। फिलहाल अगर ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, जिस तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, अपीलिंग कॉन्सेप्ट आते हैं, लोगों को मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट आते हैं देखने के लिए, तो यकीन मानिए भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ना कोई फिल्म ऐसी ज़रूर आएगी जो इसकी तख्ता पलट करेगी ही करेगी। अब बारी आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करने की। स्पेशल रिक्वेस्ट ये कि आपने जिस तरह हमारे चैनल स्पेशल भोजपुरी को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा दुलार दिया, उसी तरह से आप हमारे एक और चैनल मॉम किड्स हेल्थ डायरी को भी अपना प्यार दीजिए। जी हाँ, जहाँ आपको अपने बच्चे से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलेगा।
सो आपसे हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे इस चैनल को भी उतना प्यार दीजिए जितना आपने अपने प्यारे चैनल स्पेशल भोजपुरी को दिया। आपके प्यार, स्नेह और दुलार की इस चैनल को भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी स्पेशल भोजपुरी को आवश्यकता थी। और आगे भी हमें आपके इस प्यार दुलार की हमेशा आवश्यकता रहेगी ही। तो कृपया आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिलीज के बीच इसे शेयर कीजिए। और आपको इस चैनल पे किस तरह की वीडियोस चाहिए आगे भी, इस पे सुझाव भी जरूर दीजिए।